एक वायरस जिसका रीजन किसी को भी नहीं पता, उसकी वजह से लोग अपनी स्मेलिंग का सेंस खो देते हैं। इसके आगे क्या होगा, क्या लोग और भी सेंसेस खो देंगे? ये आज की हमारी मूवी परफेक्ट सेंसेस, जो 2011 की एक हॉलीवुड मूवी है, इसमें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है, ये हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सुजन, ये हमें बता रही है। कहती है उन दिनों सब कुछ नॉर्मल था, लोग नॉर्मल थे, सब लोग काम पर जा रहे थे। जिस टाइप से आप वर्ल्ड को इमेजिन करते हो उसी तरीके से वर्ल्ड था। उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। नेक्स्ट सीन में हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है माइकल, इसको और एक लड़की के साथ हम बेड में देखते हैं। वो आज रात उसके साथ इंटीमेट हुआ था। वो उसे उठाता है और कहता है मैं किसी के साथ बेड में सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आती। ये लड़की गुस्सा होके कहती है हम दोनों अभी अभी इंटीमेट हुए और तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। अगले सीन में हम सुजन को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं। वो बहुत ही अपसेट थी क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। बहुत दिनों से वो काम पर भी नहीं गई थी। ये दोनों सी के पास आए हुए थे, वहां के पत्थर उठाकर आकाश में फेंकने लग जाती है, अपना सब कुछ गुस्सा निकाल देती है। अब फाइनली उसे जरा ठीक लग रहा है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि माइकल एक शेफ है। इसके बाद सुजन एपिडेमोलॉजिस्ट है, इसका मतलब है जो भी एपिडेमिक डिसीजेस होते हैं इस पर रिसर्च करने का काम सुजन करती है। सुजन का कली उसे एक पेशेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है। उस पेशेंट की वाइफ बाहर ही खड़ी थी, कहती है अचानक से उसका आवाज टूट गया, वो रोने लग गया और उसके बाद उसकी स्मेल चली गई। पेशेंट को एक ही जगह पर बंद कर रखा था तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, अपनी वाइफ के पास उसे जाना था। सुजन पूछती है तुमने इसे बंद कर क्यों रखा है? उसका कलीग कहता है इस टाइप के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं, अलग अलग देशों में स्प्रेड हो रहा है। दो पेशेंट्स के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। अगर ये सब लोग किसी वायरस से इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन कैसे हुआ ये भी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। सुजन के कलीग को लगता है कि थोड़ा सा ही इन्फेक्शन होगा, थोड़े दिनों बाद इनकी स्मेल का सेंस फिर से वापस आ जाएगा, ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि सुजन के अपार्टमेंट के पास से माइकल का रेस्टोरेंट है। वो फोन पर बात कर रही थी तो माइकल ने उसे स्मोकिंग करता हुआ देखा, उसे सिगरेट मांगता है, सिगरेट के बाद लाइटर भी मांगता है। सुजन इरिटेट होकर कहती है कि अब घर में ही आ जाओ, यही बोर्डिंग कर लो। माइकल मजाक में कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि मैं एक शेफ हूँ और इस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। सुजैन ये सुनने के बाद उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन सुजैन और उसके कलीग फिर से वायरस कहाँ से आया है, इसका रीजन क्या होगा, इसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये इन्वायरमेंटल है, शायद पानी से आ रहा है, किसी नेशन ने डिलीबरेटली इस वायरस को स्प्रेड किया होगा। इनकी कोई भी थ्योरी राइट नहीं थी। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इन्हें डरना नहीं है, जो भी होता है वो देखते रहना है। इसके बाद वायरस बढ़ने लग गया, अचानक से लोग रोने लगते थे, उसके बाद उनकी स्मेल चली जाती थी। उनके लाइफ में जो भी बुरा हुआ था ये सब कुछ उन्हें याद आता था। सुजन इस वायरस की स्टडी स्टार्ट कर दिया। सब लोग बहुत ही डर गए थे तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स में खाना भी बंद कर दिया। एक दिन माइकल रेस्टोरेंट के बाहर था। सुजन अपना काम कर घर आई तो एक दूसरे से मिले। सुजन हमेशा माइकल को सेलर बुलाती है। माइकल कहता है कि मैं एक शेफ हूँ। वो कहती है कि मेरे फादर एक सेलर थे, वो किसी भी अनजान आदमी से मिलते थे तो उसे भी सेलर ही बुलाते थे। माइकल सुजैन से पूछता है क्या तुम हंगरी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। वैसे भी लोग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छी सी डिश बनाता है। अचानक से सुजैन भी रोने लग जाती है, उसे अपने फादर की बहुत ही याद आ रही थी। रोने के बाद उसके भी स्मेल का सेंस चला गया। माइकल उसे सहारा देने के लिए उसके पास आया तो कहती है ये वायरस शायद कंटेजियस हो सकता है, पर माइकल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसे हक कर लेता है। वो उसे फिर घर लेकर आता है। सुजन जब शांत हुए तो फिर माइकल रोने लग गया। इस बार सुजन माइकल का सपोर्ट बनी। सुबह हुई तो डिस्कस करते हैं कल की रात कितनी स्ट्रेंज थी। सुजन जब काम पर थी तो अपने कलीग से कहती है कि मैं अब किसी को डेट कर रही हूँ। उसे लगता है कि माइकल एक प्लेबॉय है, वो उसे छोड़ देगा। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं, लोगों में पैनिक है वो कम होता जा रहा है। फिर से उन्होंने अपनी लाइफ कंटिन्यू की है, रेस्टोरेंट में जाकर डिनर वगैरह करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब लोगों का स्मेल जा चुका है तो माइकल और उसकी टीम जो भी खाना बनाती है उसमें इंग्रेडिएंट ज्यादा डालती है जिससे टेस्ट आ सके। सुजन हमसे कहती है लोगों का स्मेल चला गया, इसके साथ ही वो स्मेल से जो पुरानी मेमोरीज आती थी वो भी चली गई। नेक्स्ट सीन में माइकल सुजन को डेट के लिए पूछता है,
वो इसके लिए मना कर रही थी, पर बहुत सारे ऑप्शंस उसने उसे दिए। सुजैन ने हंस दिया और उसके साथ डेट पर आई। रिवर के पास एक लेडी गाना गा रही थी। इस गाने में अलग अलग स्मेल को डिस्क्राइब किया गया था जिसे लोग अब मिस करते हैं। आज की इनकी डेट बहुत ही अच्छी थी। सुजैन माइकल से पूछती है कि अब हम क्या करें। माइकल कहता है तुम्हारे साथ में घर आ सकता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम आगे चली जाना, मैं तुम्हें फॉलो कर लूंगा। वो बहुत ही पर्सुएसिव है। तो ये घर आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद माइकल सुजैन को स्मेल करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। उसे बुरा लगता है, कहता है फर्स्ट टाइम ही मुझे तुम्हें स्मेल कर लेना चाहिए था। सुजैन उसे कहती है कि अब मुझे अकेला रहना है। जिस तरीके से माइकल किसी भी लड़की को उसके साथ सोने नहीं देता था, उसी तरीके से सुजैन भी उसके साथ करती है। माइकल डेस्परेट होकर अपना कार्ड उसे देकर जाता है। अगले दिन माइकल एक ग्रेव को विजिट करने के लिए गया। वहाँ कुछ लोग थे जो उसे कहते हैं कि उसे फ्लावर्स बहुत पसंद थे, एटलीस्ट तुम वो तो ला सकते थे। ये वर्ल्ड में क्या हो रहा था इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग थीरीज थी। किसी को लगा कि एक नेशन ने दूसरे नेशन को बर्बाद करने के लिए वायरस क्रिएट किया। कुछ रिलीजियस लोगों को लगता था कि अब वर्ल्ड खत्म होने वाला है। जो लोग प्योर है उनका फाइनल डेज में स्मेलिंग का सेंस फिर से वापस आ जाएगा। इसी तरीके से लोग अलग अलग थीरीज बनाते गए और नेक्स्ट वेव आई। काम करते करते सुजैन का कलीग अचानक से डिस्टर्ब हो गया। वो जब थोड़ा सा शांत हुआ तो उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। उसे जो भी मिला वो एनिमल की तरह खाने लग गया। एक ही टाइम पर सब लोगों के साथ ये हुआ। जब सब लोग होश में आए तो वो कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके टेस्टिंग का सेंस जा चुका था। सुजैन और माइकल ये दोनों डर चुके थे, तो माइकल उसे मिलने के लिए आया। सुजैन उसे कहती है कि स्मेलिंग और टेस्टिंग ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो शायद इसी वजह से इन दोनों पर अफेक्ट हुआ है, मे बी ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा। माइकल पूछता है अगर हुआ तो क्या होगा। सुजैन कहती है तो फिर बहुत बुरा होगा। और भी कुछ दिन गुजर गए। मॉर्निंग में सुजैन ने अपने कर्टन्स खोले। वो माइकल से कहती है सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, जैसा वो काम करते थे वैसे कर रहे हैं, हमें भी अपना रूटीन कंटिन्यू करना चाहिए। माइकल कहता है काम पर जाने से पहले मैं तुम्हें किस करूंगा, शाम में हम डेट पर चलेंगे। सुजैन को भी ये सब अच्छा लगा, इनकी रिलेशनशिप अब अच्छे से डेवलप हो रही है। माइकल फिर से काम पर आया तो उसके बॉस कहते हैं कि अब लोग कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट चलाने का कोई भी पॉइंट नहीं है। माइकल कहता है कि लाइफ आगे बढ़ती रहती है, हम कुछ ना कुछ चीज तो फिगर आउट कर ही लेंगे। माइकल ने अलग अलग फूड के साथ एक्सपेरिमेंट किया। लोग अभी भी फूड को सुन सकते हैं, यानी क्रंची फूड खा सकते हैं। कुछ चीजें टर्न के लिए हॉट होती है, कुछ कोल्ड होती है। इन सब का अच्छे से कॉम्बिनेशन अगर उन्होंने दिया तो लोग रेस्टोरेंट में खाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी लोग रेस्टोरेंट में फील के लिए जाते हैं। ये माइकल का आइडिया सक्सेस हुआ। थोड़े दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो लोग फिर से रेस्टोरेंट में खाना खाने लग गए। एक दिन माइकल और सुजैन बाथटब में बात कर रहे थे। ये कहते हैं हमारे दो सेंसेस चले गए पर फिर भी वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेजर है, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, वो भी ड्रंक हो सकते हैं, सिगरेट स्मोक कर सकते हैं। ये दोनों फिर डांस कर रहे थे। सुजैन कहती है हम एक गेम खेलते हैं, हमारे जो भी सीक्रेट्स है हम एक दूसरे को बता देंगे। कहती है मेरे सिस्टर के बच्चों को मैं हेट करती हूँ, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते पर एक्चुअल में मुझे बच्चे हो नहीं सकते। मैं पहले सही से खाना नहीं खाती थी तो फिजिकली अब मेरी ओवरीज फर्टाइल नहीं रही। माइकल कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को एक बीमारी हो गई, वो बहुत ही सीरियस थी और उसकी डेथ होने वाली थी। उसे बीमार देखकर मैं बहुत ही डर गया था, उसके फाइनल डेज में उसे छोड़कर मैं भाग गया। अब उसकी डेथ हो चुकी है पर फिर भी उसकी ग्रेव को जाकर मैं विजिट करता हूँ, मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस होता है। आजकल जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो गिल्टी ने जरा कम हो रहा है। ये सुनकर सुजैन उसे हक कर लेती है, कहती है हम दोनों बहुत ही घटिया लोग हैं। ये इस पर बहुत हंसते हैं। एक दिन फिर से लोगों का हियरिंग का सेंस चला गया, वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। जब ये सेंस जाता था उसके पहले वो बहुत ही गुस्सा और वायलेंट हो जाते थे। सारे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े बड़े रायट्स हुए, लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। इस हियरिंग लॉस से जो भी लोग अफेक्टेड थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। लोग घर में हैं, तो उन्हें फूड देने का कॉन्ट्रैक्ट ये माइकल के रेस्टोरेंट को दिया जाता है। पहले जो भी वो सर्व करते थे अब वो सब अलाउड नहीं है। अब उन्हें सब लोगों को सिर्फ फ्लैट और फ्लोर देना पड़ेगा, जैसे कि नूडल्स वगैरह। जब माइकल और सुजैन एक साथ थे तो सुजैन गाड़ी रोक लेती है, शांति से सिटी के सब आवाजों को सुनते हैं, क्योंकि शायद ये उनका किसी भी चीज को सुन पाने का लास्ट टाइम है। इसके बाद ये घर पर आया।
अब माइकल को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, पर तुम भी सब लोगों की तरह ही हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही इमोशनल हो, प्रोफाउंड हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम स्पेशल हो? तुम चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते, इसी वजह से स्पेशल हो। माइकल बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो रहा था, तो जल्दी से घर से बाहर वो निकल जाती है। वो जब शांत हुआ तो वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत सारी गलत चीजें सुजैन से कही थी। वो सुजैन के पीछे पीछे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर गवर्नमेंट के लोग उसे घर में क्वारंटाइन कर देते हैं। उसने सुजैन को कॉल किया, कहता है, मैं जो भी कह रहा था ये सब डिसीज की वजह से था, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट दिन में सुजैन की भी हियरिंग चली जाती है। माइकल ने उसे जो कहा था उस वजह से वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी। वो फिर अपनी सिस्टर के पास आए। वो माइकल के बारे में अपनी सिस्टर को कहती है, तो उसकी सिस्टर उसे सहारा देती है। और फिर से थोड़े दिन गुजर चुके हैं, सुजैन और माइकल एक दूसरे से मिल नहीं रहे। लोग अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो माइकल का भी रेस्टोरेंट खुल चुका है। लोग अब सिर्फ देख पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी अट्रैक्टिव सी डिशेज बनाई जाती है। जहाँ पर पहले म्यूजिक चला करता था, वहाँ पर लोग जाकर सिर्फ वाइब्रेशन को फील करते हैं। सुजैन हमसे कहती है कि लोग इन सब चीजों से भी कंफर्टेबल हो गए, कुछ लोग फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। अगर शायद सब लोग अंधे हो जाते हैं तो अपने आप को ट्रेन करने लग गए। सुजैन माइकल से मिल नहीं रही तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन था। एक दिन सुबह हुए तब सब लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर से वो खुश थे और उन्हें लग रहा था कि जिनसे वो प्यार करते हैं इनके पास उसे जाना चाहिए। मूवी में हमने देखा है कि जब भी लोगों के सेंसेस जाते हैं तो बहुत ही गुस्सा होते हैं, पर इस बार अलग हो रहा है। इस बार वो खुश है और लोगों से मिलना चाहते हैं। सुजैन भी रियलाइज करती है कि अब वो देख नहीं पाएगी। जल्दी से वो भागते भागते माइकल के पास आते हैं। माइकल भी उसे ही ढूंढ रहा था। एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, हग करने वाले थे, तभी ये दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं। सुजैन हमसे कहती है, हम अब दोनों ब्लाइंड हैं, पर एक दूसरे की ब्रीदिंग हम फील कर सकते हैं, हम किस कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसू फील कर सकते हैं। अगर हम दोनों को कोई देख पाता, उसे लगता कि हम एक नॉर्मल लवर्स हैं। हमारे आसपास अब जो भी होगा ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जिंदगी चलती रहती है। पूरी मूवी का पॉइंट ही ये है। मूवी हमसे कहती है कि हमारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके बाद भी हमारी जिंदगी चलती रहेगी। हम सब लोगों में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ उसके बाद भी हम एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ही लेते हैं, कुछ पॉजिटिव अच्छी चीजें ढूंढते हैं जिसके लिए हम जी पाए। इसी तरीके से एक अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।